ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक नींबू का पौधा है और ये मैंने बीज से ग्रो किया है और अब 5 साल हो गए हैं इस प्लांट को। और इस बार इसमें देखिए नींबू छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। कई बार मैं सोचती थी कि इसमें कुछ नहीं होगा और मैं इसको उखाड़ने के बारे में सोचती थी, पर ये प्लांट्स हमेशा बना रहा। और मैंने कई कोशिश भी की थी इसमें फ्रूटिंग हो, और मैंने फूलों के पौधे भी इसके पास लगाए थे ताकि पोलिनेशन हो और चाहे फल बने ना बने पर थोड़ा सा फल का आभास तो आ ही रहा है और शायद बन ही जाएंगे नींबू। सुंदर सुंदर छोटे छोटे प्यारे प्यारे नींबू लगे हैं। तो फ्रेंड्स, आज एक दूसरा विषय है मेरा, और बारिश बहुत अच्छी हो रही है और हम सोचते रहते हैं कि इसका कैसे हम फ़ायदा उठाएं और क्या करें। और इस बार ये शायद 50 साल पुरानी ये कुर्सियां हैं, और घर में नया नया फर्नीचर आ जाता है और पुराना फर्नीचर निकल जाता है, पर हम अभी भी पूरी तरह से उसको निकाल नहीं पाते। आजकल के बच्चे तो उसी टाइम निकाल देते हैं। और ये हमने रख दी है छत पे, और पूरी पिछले 1 साल से हम इसमें बैठ रहे थे और थोड़ा सा इसकी हिफाजत भी कर रहे थे, पर फिर उसके बाद ऐसा ही है कि बारिश आ जाती थी और फिर अब इसकी स्थिति ख़राब है और शायद यही सीजन ये चलेगी। अभी इसको दोबारा रिपेयर तो कराना मुश्किल है और रखेंगे भी कहाँ, तो इसलिए अब सर्दियों में इससे थोड़ी सी हम आग भी सेक सकते हैं और सर्दियों तक ये ख़राब भी हो जाएगी। और ये पड़ी हुई थी ऐसे ही बेकार, तो मैंने सोचा कि बारिश का अच्छा मौसम हो रहा है तो क्यों ना मैं इसका थोड़ा सा सदुपयोग कर लूँ। और ये इसकी ये जो ये बिल्कुल ही ख़राब हो गई है, तो मैं इसको थोड़ा सा एक धागे से बांधने की कोशिश कर रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि कुछ इस तरह से मेरे पास पड़े हुए हैं डब्बे वगैरह, ये ढक्कन वगैरह तो इसमें छेद हुए हैं, तो मैंने इसको इस तरह से लगा लिया है और एक कपड़ा बिछा लिया है। और आपके पास कोई मोटा कोई कपड़ा हो तो वो भी आप अच्छा बिछा सकते हैं, क्योंकि इससे मिट्टी नीचे गिरेगी नहीं। और ये फिर इस तरह से गिफ्ट वगैरह जो रैप करके आते हैं, इस तरह की जाली मैंने लगा ली है और नीचे एक कपड़ा बिछा लिया है। तो इस तरह से मैं सोच रही हूँ कि इसमें पर्सलिन और मॉस रोज वगैरह उगा लूँ, क्योंकि चौड़ी जगह है, फैल जाएगा और कोई प्लांट तो शायद नहीं उगेगा, क्योंकि ये कम मिट्टी में भी अच्छी तरह से उग जाता है। और फ्रेंड्स देखिए, ये इस तरह के डब्बों में भी ये आराम से ये मेरे प्लांट्स उगे हुए हैं। ये देखिए, इस और इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है, और मेरे कुछ प्लांट्स उधर रखे हैं। ये मेरी दूसरी छोटी छत है, इसमें मैं इस तरह के काम करती रहती हूँ। तो अगर आपके पास भी इस तरह का कोई बेकार वेस्ट पड़ा हो और वो संभव नहीं है आप संभालना, तो आप भी इस तरह का काम कर सकते हैं, तो मेरे साथ देख सकते हैं आपकी मैं कैसे कर रही हूँ। तो ये मैंने इसमें थोड़ा सा बेस बना लिया है और बारिश अच्छी हो रही है, और 2-3 महीने इसमें पर्सलिन मॉस रोज शायद लग जाएंगे, देखते हैं, कोशिश तो करते हैं। और फ्रेंड्स, मैंने ले ली है थोड़ी सी मिट्टी और इसको डाल देते हैं इस तरह से। फिर मैं आसपास कोई और इस तरह की चीज़ें इसके किनारे में लगा दूंगी ताकि ये पानी वगैरह ना बहे। और ये मेरा इस पैकेट में मेरा पूरी मिट्टी है और इसको मैं इसी में डाल देती हूँ। इसके लिए ज़्यादा बहुत ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती, थोड़ी सी थोड़ी एक हल्की सी परत में भी ये अच्छी तरह से बन जाएगी। और ये मैंने इस तरह से देखी बिछा देती हूँ। तो इस तरह से इसका सदुपयोग भी हो जाएगा। और मैंने कुछ ली हैं ये कटिंग्स, क्योंकि ये काफ़ी बढ़ गई हैं और यहाँ भी थोड़े से फूल टूटी हुई कुर्सी में भी खिल जाएंगे, ऐसा सोच कर मैं ये थोड़ा सा इनको लगा रही हूँ। तो इस तरह से मैं लगा देती हूँ। मैं दोनों ही तरह के लाई हूँ, मॉस रोज और पर्सलिन दोनों ही, और इस तरह से लगा देती हूँ जल्दी जल्दी। तो फ्रेंड्स, मेरा दिखाने का मकसद ये दिखाने का है यही है कि अगर आपके पास भी कोई बेकार सी चीज़ हो तो उसको एक बार थोड़ा सा गार्डनिंग में ज़रूर इस्तेमाल करें, और 1-2 साल उसको गार्डनिंग करके फिर उसको आप बाहर निकाल सकते हैं। हम एकदम से कोई चीज़ नहीं निकाल पा रहे हैं,
तो इस तरह से थोड़ा बहुत गार्डनिंग में इस्तेमाल कर लेते हैं। और अभी सितंबर अक्टूबर तक ये अच्छी तरह से फ्लावरिंग करते रहेंगे। और इस तरह के पॉट्स में थोड़ी कम जगह होती है, हम थोड़ा सा गार्डनर्स ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस में अपनी गार्डनिंग करना चाहते हैं। तो इस तरह से ये मैंने लगा दिए हैं अलग अलग रंग के, जहाँ से ज़्यादा बढ़ गए हैं वहाँ से मैंने इनको तोड़ लिया है। और मेरे पास इस तरह से एक दो कुर्सियाँ और पड़ी हुई हैं, अगर ये इसमें शुरुआत की है, आज मेरे पास इतना ही टाइम था तो मैं इसमें ये लगा दिया है। और अभी मेरे पास दो तीन कुर्सियाँ और पड़ी हैं इस तरह की, एक प्लास्टिक की पड़ी है ऐसी ही टूटी हुई, तो जब ये अच्छी तरह से इसके रिज़ल्ट आएंगे तो मैं दिखाऊंगी। और मैं इसमें थोड़ा सा ये पानी, फ्रेंड्स बारिश का ही पानी है ये, मैंने थोड़ा सा इकट्ठा किया हुआ है। और इसमें ड्रेनेज तो भरपूर मात्रा में है ही, क्योंकि इसमें वो प्लास्टिक की जालियाँ बनी हुई हैं, वो करने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ मिट्टी को बहाने से बचाना है, इतना ही करना है। कोई मोटा मोटी दरी या इस तरह का कोई कपड़ा भी आप नीचे इसके रख सकते हैं। और ये देखिए पानी निकल रहा है, और यहीं किनारे पे ये थोड़े से एक दो दिन में जम जाएंगे। तो फ्रेंड्स इसी तरह से बैठे बैठे मुझे ख्याल आया कि कुछ इस तरह का भी हम प्रयास कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास भी इस तरह की कोई बेकार सी चीज़ पड़ी हो तो थोड़ा सोचिए, और अपने पेड़ों के पास बैठिए तो आप भी को भी कोई नया आइडिया आएगा, और आप भी इस तरह का कुछ काम कर सकते हैं। और इस तरह की से बेकार पड़ी हुई चीज़ में भी थोड़ी बहुत फ्लावरिंग हम इस सीज़न ले सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।